नमस्ते भारत, किसान पाठशाला बी किसान गुज के ओर से आज गुजरात के अंदर में टुल्डा वेराइटी सीड बेस के अंदर में जहाँ जहाँ पर भी लगा है वहाँ की मुलाकात लेने के लिए आए हुए थे। ये उपलेटा के पास में वराली गांव है और जिन किसान भाई ने लगाया हुआ है उनके साथ एक बार परिचय लेते हैं। जी, आपका छोटा सा परिचय, हम कहाँ पर है और आपने बांस जो लगाया है वो किस कारण से लगाया है? ये गांव लेबर का प्रॉब्लम है इसलिए लगाया है। राजकोट डिस्ट्रिक्ट का उपलेटा तालुका का वोडाली गांव है। वोडाली गांव, ओके। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन पटेल। नितिन जी, जी नितिन जी, बांस में ऐसा क्या आपको लगा? आपके पास एक्चुअल जमीन तो बहुत ज्यादा थी, तो आपने बांस ये लगाया हुआ है, रीजन क्या बांस के लिए? एक तो आपने कहा वो लेबर वर्क जो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, और दूसरा कोई फैमिली वाला कोई वापस आने वाला नहीं है यहाँ खेत पे। यस, बराबर है। एक्चुअल नितिन भाई जो है वो सिर्फ फार्मर नहीं है, बिजनेसमैन है, अलग अलग काम बिजनेस के अंदर में करते हैं। उसके सिवा उनके पास में जमीन बहुत ज़्यादा थी, उसके अंदर में आप देख सकते हैं पीछे की ओर में उन्होंने ये ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है। परंपरागत खेती तो करते हैं लेकिन फ्यूचर के अंदर में जो दिखता है जनरेशन गैप के हिसाब से आज नेक्स्ट जनरेशन कोई भी फार्मिंग के लिए आगे बढ़ने को राजी नहीं है। दूसरा, अपने पास खेती के लिए टाइम बाय टाइम पर्टिकुलर जो आदमी लोगों की ज़रूरत रहती है वो भी मिलना मुश्किल होता है, तो उसके कारण आज निजी जीवन में अपने को अगर एग्रीकल्चर कुछ करना है, प्रकृति के साथ में जुड़ना है, तो इजी अवेलेबल है बांस, जो आमतौर पे हम इजीली कर सकते हैं। और उसमें हमने वेराइटी लगवाया है यहाँ पे टुल्डा वेराइटी सीड बेस के अंदर में, और इन्होंने जो लगाया हुआ है ये 12x10 के अंदर में लगाया हुआ है। देख सकते हैं अभी तो शायद 1.5-2 महीने के आसपास में ही ये प्लांट हुआ है, प्लांटेशन हुआ है, और फ्लड इरिगेशन के हिसाब से पानी यहाँ पर दिया जाता है। बीच के अंदर में 1-2 सीज़न भी लेंगे जब तक ये 18 या 20 फीट की हाइट पकड़ ना ले। तो आइए आप सब भी मिलके बांस की खेती इजीली कर सकते हैं अपने गांव से, अपनी ज़मीन से आप शुरुआत करिए। पीछे बी किसान का फुल सपोर्ट आपके साथ में रहेगा। थैंक यू वेरी मच।